नमस्कार, पुल की टॉप स्टोरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पितृपक्ष के दौरान घर में जरूर बनाएं ये एक सब्जी, पितरों की नाराजगी होगी दूर। पितृपक्ष का समय चल रहा है, वहीं इसका समापन दिनांक 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या को होगा। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह माह सबसे उत्तम माना जाता है। इस माह में कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं ताकि पितृ प्रसन्न रहें। पितृपक्ष में पूर्वज अपने वंशजों से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर पधारते हैं ताकि उनके वंश उन्हें तृप्त कर सकें। वहीं इस दौरान पिंडदान, श्राद्ध और ब्राह्मण को भोज कराना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष में कुछ सब्जियों का सेवन करने से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन सब्जियों का सेवन कर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा पृथ्वीलोक पर आती है, इसीलिए इस समय उन्हें भोग लगाया जाता है ताकि वह प्रसन्न हो सके। इस समय विशेष रूप से तुरई के पत्ते से अर्घ दिया जाता है, जिसमें तुरई की सब्जी का विशेष भोग लगाया जाता है। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए तुरई की सब्जी जरूर बनाएं और उन्हें भोग लगाएं। पितृपक्ष में कौन सी सब्जी खा सकते हैं? ज्योतिषाचार्य के अनुसार पितृपक्ष में नरम सब्जियां खाने से बचें। इस माह में आलू, कद्दू, मूली, केला और भिंडी खा सकते हैं। इनके सेवन से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सब्जी बनाने के दौरान कम तेल का प्रयोग करें। शास्त्र के हिसाब से पितृपक्ष में भिंडी का सेवन मुख्य रूप से किया जा सकता है। पितृपक्ष माह में ऐसी सब्जी का सेवन न करें जो अधिक मात्रा में पानी छोड़ती है, जैसे कि लौकी, साग आदि न खाएं। पितृपक्ष में पितरों को तोरी की सब्जी का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा करेले की सब्जी भी खाने से बचना चाहिए। सब्जी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हींग का प्रयोग न करें। इस दौरान मसाले का प्रयोग भी कम करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन कैसे बनाएं और किस किस को खिलाएं? जिन्हें पितृपक्ष में भोजन कराना शुभ माना जाता है, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवादि। देवता आकाश तत्व का प्रतीक है, इसलिए पितृपक्ष में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले सभी देवताओं को भोग जरूर लगाएं। इसके बाद ही स्वयं भोजन खाएं। पितृपक्ष में तुरई की सब्जी जरूर बनाएं और यहाँ बताई गई बातों पर विशेष ध्यान दें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो